हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। तो सबसे पहले तो डिलीशियस की तरफ से आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी रमजान को मद्देनजर रखते हुए हम इफ्तार स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि चिकन स्लाइडर है और बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो आइए चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ही शानदार रेसिपी जो बनाने में बिल्कुल आसान है, इसे बनाइए और इफ्तार में इंजॉय करिए। तो आइए चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमने दो ब्रेड ली है और इन ब्रेड को जो है सो हमने बीच में से इस तरीके से काट लिया है। इसमें हम फिलिंग करेंगे चिकन की। उसी के साथ हमने लिया है ऑयल, ऑयल के साथ नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और उसी के साथ हमने जैसे ऑरिगैनो और थोड़ा सा थाइम लिया है। और हमने थोड़ी सी प्याज ली है बारीक चॉप की हुई, जिंजर और गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ लिया है। तीनों शिमला मिर्चें हमने जो है सो काट कर उसके स्लाइसेस कर लिए है। और ये है मोजरेला चीज़, मोजरेला चीज़ जो है सो हमने तकरीबन 200 ग्राम लिया है। और सोया सॉस 2 से 4 टेबलस्पून हम लेंगे। और कॉर्नफ्लावर और चिकन के जो है सो हमने बारीक स्ट्राइप्स काट लिए हैं। तो चलिए इसका मैरिनेशन शुरू करते हैं बनाना। चिकन ले लेंगे और इस चिकन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे सोया सॉस। तो 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस हम इसमें डालेंगे। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, ऑरिगेनो, थाइम, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। और ऑयल के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गार्लिक। बस और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें ऐड करिए 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दें। तो ये मैरिनेट हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए और फिर इसे हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए इसे मैं रख देता हूँ 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे। तो सबसे पहले हमने ऑयल डालना है कढ़ाई में, अच्छा तेज फ्लेम पर जो है सो आपको ये बनाना है। हमेशा याद रखिए इस तरीके के रेसिपीज हमेशा तेज़ आंच पे ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक और 1 टेबलस्पून जिंजर और प्याज, 1 प्याज की डली हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे करी पत्ते, 8 से 10 करी पत्ते इसमें डाल देंगे आप। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें जो है सो ये चिकन हमने जो मैरिनेट किया था वो डाल दीजिए और बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे जो है सो आपको तलना है। जो चिकन मैरिनेट किया था हमने उसमें डाल दिया चिकन स्पाइस और इसे आप अच्छे अंदाज में जो है सो तल लीजिए हाई फ्लेम पर। इस तरीके से हम इसे तल लेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पर आपको इसे तलना है, स्लो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हम 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर। तो हमने इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड किया है, तंदूरी चिकन मसाला। और अब हम इसमें जो है सो ये तीनों बेल पेपर डाल देंगे, ग्रीन, येलो और रेड। तीनों को जो है सो हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लें आप हाई फ्लेम पर। भून लें इसको थोड़ा। इस तरीके से आप इसे हाई फ्लेम पे भून लें। चलिए अब इसे भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे मोजरेला चीज जो कि ग्रेटेड है, हम इसमें ऐड कर देते हैं।
तो चलिए चीज ऐड करने के बाद अब आप फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब हम इसकी इसमें जो इसकी जो है उसको फिलिंग करेंगे ब्रेड में हमारी। तो चलिए ब्रेड में हम फिलिंग करना शुरू करते हैं इसकी। सबसे पहले हमने ब्रेड ले ली है, इसमें हम इस तरीके से जो है सो थोड़ा सा बटर लगा देंगे। इस तरीके से आप बटर लगा दीजिए। लगाने के बाद हमने जो प्याज काटी थी चॉप की हुई, वो प्याज हम थोड़ी सी जो है इस पर इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। बस स्प्रिंकल करने के बाद हम इसमें जो है सो ये हमारा जो फिलिंग हमने बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें ऐड कर दीजिए जो हमने फिलिंग बनाई है। ऐड करने के बाद आप इसमें डालिए मोज़रेला चीज। ये मोज़रेला चीज डालने के बाद इसे आप इस तरीके से फिर से बंद कर दीजिए और इस पे जो है सो आप थोड़ा सा बटर लगा दें। इस तरीके से आप इसे बटर लगा दें अच्छे से और बटर लगाने के बाद थोड़े से गार्लिक के पीसेस डाल दें इस तरीके से। अब हम इसे ओवन में जो है सो 180 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे फॉर 1 to 3 minutes। मैं दूसरी भी ब्रेड को ऐसे ही रेडी कर लेता हूँ। इस तरीके से हम इसमें रख लेते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं। अब मैं दूसरी ब्रेड को भी जो है इस तरीके से रख लूँगा और अब हम इसमें ये करेंगे कि मोज़रेला चीज़ हम इसमें अंदर डालेंगे ब्रेड पर। इस तरीके से मोज़रेला चीज़ डालकर हमने जो फिलिंग बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से ये फिलिंग को इवेनली स्प्रेड कर दीजिए। बस इस तरीके से हम इस पे स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। इसे भी बंद कर दीजिए और इस पे हम जो है सो फिर ये बटर लगाएंगे। बस बटर लगाकर थोड़े से गार्लिक के स्ट्रैंड्स इस पे डाल देंगे। अगर आप ओनियन डालना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर ओनियन ऐड करिए, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैं ओनियन डालता हूँ। चलिए अब हम इसे भी जो है सो अपनी बेकिंग प्लेट पे रख लेते हैं। तो मैंने दोनों को भी बेकिंग प्लेट पे रख लिया है और इसे अब मैं ओवन में रख रहा हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 3 मिनट्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है आपके चिकन स्लाइडर्स। बहुत ही चीजी और बहुत ही जो है सो मजेदार ये बनकर रेडी हुए हैं। गरम गरम है बहुत, रोजे में अपन रोजा खोलने की टाइम है ये वैसे तो इसे टेस्ट तो नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। सो थैंक यू एंड बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस एक्जैक्टली हैदराबादी रेसिपीज। आइए देखते हैं ये कैसा बनाए, मैं करीब लाकर आपको बताता हूँ। तो
ये देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार जो है सो ये बनकर रेडी हुआ है। शानदार चीज़ इसमें जो है सो भरा हुआ है और चिकन वगैरह। तो बनाइए और इसे एंजॉय करिए।